हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वर्मैक 12 एमजी टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस टैबलेट के बारे में जानना चाहते हैं कैसे इसको यूज़ करना है, क्या इसकी साइड इफ़ेक्ट है और कौन इसको ले सकता है, कौन इसको नहीं ले सकता, क्या इसकी डोज होती है और कौन कौन सी स्ट्रेंथ में आती है और कौन सी कंपनी की आती है, क्या इसका MRP है, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वर्मैक 12 एमजी टैबलेट के बारे में। सबसे पहले हम वर्मैक 12 एमजी टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। एवरमैक्टिन 12 एमजी इसमें कंपोजिशन होता है। अगर इसके MRP के बारे में बात करें तो 149 रुपये इसका MRP होता है। ये 4 टैबलेट्स का MRP है। अब हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको इस टैबलेट को खरीदने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। यूर स्टार्ट 12 mg टैबलेट, एवर टोल टैबलेट, यूर स्कैब 12 mg डिस्पर्सिबल टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। अब मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ बताता हूँ, कौन कौन सी स्ट्रेंथ में ये हमें देखने को मिलती है। 3 mg, 6 mg और 12 mg, और 12 mg बाई 400 mg, और ये हमें सिर्फ की फॉर्म में मिलती है जो कि प्लस के फॉर्म में आता है, वर्मैक्ट प्लस के नाम से आता है। ये इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात थी, बट आज हम वर्मैक 12 एमजी टैबलेट के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी यूजेस के बारे में, किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। एवरमैक्टिन टैबलेट के यूजेस के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग त्वचा के रोगों के लिए किया जाता है, जिसमें क्या होता है, स्कैबिज बीमारी होती है। इसमें हमारी जो त्वचा होती है वहाँ पर खुजली होने लगती है, रेडनेस हो जाती है, तो स्कैबिज के उपचार में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो बालों में जूं हो गई है, वह हमारे पेट में कीड़े हो गए हैं, तो उनके इलाज के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। वह पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। ये इसके यूजेज के बारे में कुछ जानकारी थी, और हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम यूजेज जानने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हो, उल्टी मतली होना, दस्त होना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, भूख कम लगना, पेट दर्द होना, खाज खुजली, जलन की समस्या होना, त्वचा रूखी होना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं, जब हम ये टैबलेट लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन पेशेंट को दिमाग की प्रॉब्लम है या लीवर रोग से ग्रसित है तो उन पेशेंट को ये टैबलेट नहीं लेनी है। अब हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। डोज के बारे में बात करते, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन की डोज हमेशा ही पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके दी जाती है। इस टैबलेट की फॉर्म 3 mg, 6 mg, 9 mg और 12 mg और प्लस, इन सब में आती है। तो जो आपको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपको देख के देते हैं। अगर आपका वेट 25 kg है तो आपको 3 mg की टैबलेट दी जाती है। अगर आपका वेट 35 kg है तो आपको 6 mg की टैबलेट दी जाती है। अगर आपका वेट 50 kg है तो आपको 9 mg की टैबलेट दी जाती है, और अगर आपका वेट 60 kg के अबाव है तो आपको 12 mg की टैबलेट दी जाती है। और इस टैबलेट को आपने खाना खाने के 2 घंटे बाद ही लेना होता है। ये इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।